हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं मीमांशा, हम देख रहे हैं यूनिट 9। एमपीपीएससी में हमने यूनिट 9 शुरू किया है, जिसमें है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब क्या, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, आज है हमारा 3रा लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक है हमारा कौन सा, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, इंटरनेट क्या होता है, हम जानते हैं इंटरनेट के द्वारा ही दुनिया के सभी कंप्यूटर, जितने भी सिस्टम हैं, जितने मोबाइल हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। तो इंटरनेट क्या है, एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा जाल है, जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर, सभी मोबाइल, वो सारी एप्लायंसेस जो क्या करती हैं, जानकारी, सूचनाओं, डेटा को साझा करती है, आपस में जुड़ी होती है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हम जाल या नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, हम इंटरनेट। तो इंटरनेट के जो जो जनक हैं, जो फादर है, वो कौन है, विंटन ग्रे कर्फ। विंटन ग्रे कर्फ ने ही इंटरनेट का क्या किया, प्रतिपादन किया, इनको ही क्या बोलते हैं, फादर कहते हैं। और जो इंटरनेट है, इस ये अलग अलग कंप्यूटर आपस में इसी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, डेटा सूचना सभी का आपस में आदान प्रदान करते हैं। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सोशल सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, इसके लिए क्या होता है, कंप्यूटर बहुत आवश्यक है। इसके माध्यम से ही हम क्या करते हैं, अब हमारी लाइफ जो 21वीं सदी है, कंप्यूटर के बिना, इसको हम क्या कह सकते हैं, असंभव, एक तरह से क्या कह सकते हैं, असंभव। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत बेसिक नीड हो चुका है। हम सभी सूचनाओं को कहाँ संग्रहित करते हैं, इस कंप्यूटर में ही शुरू करते हैं। और ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन के बाद तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक ही है। तो इंटरनेट को ही हम क्या कहते हैं, अब ये जो नया 21st सेंचुरी है, इसको ही क्या बोलते हैं हम, सूचना क्रांति का समय, सूचना क्रांति का युग, यानी क्या, एरा ऑफ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन हाईवे, यानी सूचना राजमार्ग किसे कहते हैं, सूचना राजमार्ग या सूचना राजपथ। तो ऐसा राजमार्ग जिसके द्वारा से क्या होता है, सभी सूचनाएं, सभी इंफॉर्मेशन पास होती हैं। सूचनाएं किस फॉर्म में होंगी, टेक्स्ट के फॉर्म में होंगी, है ना, या फिर वीडियो के फॉर्म में होगी, या फिर ऑडियो के फॉर्म में होगी। सूचना किसके माध्यम से जा रही है, तो इसी इंटरनेट के माध्यम से जा रही है, एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से क्या जाती है, इंटरनेट के माध्यम से ही सूचना यहाँ से वहां जाती है। इसलिए क्या कहते हैं हम, इंटरनेट को ही सूचना राजपथ कहते हैं, क्या कहते हैं, सूचना राजपथ, क्या कहते हैं, सूचना राजपथ। इंटरनेट इज नोन एज क्या, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट इज नोन एज क्या, इंफॉर्मेशन हाईवे या सूचना राजपथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नेटवर्क और इंटरनेट हैड बीन स्टार्टेड फ्रॉम, सबसे पहले नेटवर्क या इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत किसने की थी, यूएस के जो डिफेंस आर्मी है ना, डिफेंस जो डिपार्टमेंट है, इसने की थी, किसके नाम से, अर्पानेट से। तो कब शुरू हुई थी ये, 1969 में, कब, 1969 में, आपको याद रखना है, जो फर्स्ट इंटरनेट सर्विस है वो कब शुरू हुई, 1969 में, किसके नाम से, अर्पानेट के नाम से, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, आप ईमेल यूज करते हैं, है ना, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, या नॉन ऑफ द अबो। तो इसका आंसर होगा, फुल फॉर्म है ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गूगल क्रोम इज अ, अब गूगल में हम क्या करते हैं भाई, क्रोम जाते हैं और कुछ सर्च करते हैं, टेक्स्ट करेंगे, वीडियो करेंगे, ऑडियो करेंगे, जो भी डेटा हमको चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या होता है, गूगल क्रोम है क्या, वेबसाइट है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, या ईमेल है। तो गूगल क्रोम एक तरह का क्या है, ब्राउजर, एक तरह का क्या है, ब्राउजर से हम क्या करते हैं, सूचनाओं को ब्राउज करते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा एप्लीकेशन या ऐसा ऐप जिसके माध्यम से आप जो भी लिख रहे हैं मैसेज तुरंत किसी और तक पहुंच जाए, जो संदेश, जो वीडियो, जो ऑडियो, जो ध्वनि के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में, चित्र के माध्यम से जो पहुंचाना चाहते हैं आप, सूचनाएं या डेटा, वो जब तुरंत ही पहुंच जाती है तो क्या बोलते हैं इसी को, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। अब जितनी भी सोशल मीडिया साइट है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
टेलीग्राम, आप देखते हैं तुरंत आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, सामने वाले पास तुरंत पहुंच जाता है। तो क्या बोलते हैं इसी को, इंस्टेंट मैसेजिंग साइट्स एप्लीकेशन। क्या है ऑप्शन में, टेलीग्राम, गूगल टॉक, व्हाट्सएप, ऑल ऑफ द अबो। तो सभी क्या है भाई, इंस्टेंट मैसेजिंग साइट्स है, ठीक है। GPS इज द एब्रीवेशन ऑफ, अब GPS क्या है, तो GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसका मतलब ये है कि आप अर्थ में या धरती में, पूरे ग्लोब, पूरे विश्व में कहीं पर भी हो, ये आपको आपका पोजीशन बता देगा। तो ऐसी जगह, ऐसे रिमोट एरियाज जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, कौन बताता है इसके बारे में हमको, GPS। अब जो हमारा गूगल मैप है, मैप भी क्या है, जो हमको बताता है कि कहां से हमको जाना है, ये भी किससे गवर्न होता है, इसी GPS से, GPS सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से। कहाँ है तो अंतरिक्ष में है, जिसके माध्यम से हम अलग अलग जगहों को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्रोसीजर, जो भी आपका पोजीशन है या जहाँ पर भी आपका लोकेशन है, उसको क्या कर सकता है, ये एक्सेस कर सकता है। क्या बोलते हैं इसी को, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, GPS। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ वेव्स आर यूज इन वाईफाई। अब हम वाईफाई यूज करते हैं हमेशा, है ना, तो वाईफाई का भी कुछ फुल फॉर्म होता होगा, देखेंगे हम आगे। तो वाईफाई में किस तरह की तरंगों का यूज करते हैं, अब जो भी चीजें हम सिग्नल्स लेते हैं उसके अलग अलग वेव्स होते हैं। क्या होता है, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव्स, वैसे ही माइक्रोवेव, यूवी रेज। तो कौन से वेव, कौन से तरंगों का यूज करते हैं हम किसमें, वाईफाई में। तो वाईफाई में हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, रेडियो तरंगों का यूज करते हैं, ठीक है। What is the full name of Wi-Fi? अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया, तो Wi-Fi का फुल फॉर्म क्या है भाई, तो Wi-Fi का फुल फॉर्म होता है, देखो ऑप्शन क्या है, वायरलेस फ्रिक्वेंसी, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फ्री या वायर फ्री। तो Wi-Fi का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्राइम बेस्ड ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब कुछ क्या होते हैं, क्राइम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट क्राइम्स। तो कौन कौन से, जैसे कि फिशिंग हो गया, है ना, और क्या कर लिए, आपका पैसा आपको क्या करे, फोन करे, गलत डेटा दिए और क्या किए, आपसे जो आपका आइडेंटिटी था, OTP था जो आपके फोन में आता है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, या फिर आपका जो पासवर्ड है, ये सब हैक कर लिया जाता है, और जरूरी सूचनाएं या आपसे पैसों का फ्रॉड कर लिया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। वो सभी क्राइम्स या अपराध जो कंप्यूटर बेस्ड है ना, क्या कहलाता है ये, इंटरनेट कंप्यूटर बेस्ड है, क्या कहलाता है, साइबर अपराध या साइबर क्राइम। इसके लिए पुलिस में क्या होता है, एक अलग से यूनिट होती है साइबर क्राइम के लिए, है ना, साइबर सेवा, साइबर पुलिस। An internet service by which a person can publish any information is known as, ऐसा इंटरनेट का की सेवा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी भी सूचना को क्या कर सकता है, प्रकाशित करता है, क्या कहलाता है, ब्लॉग, इंटरनेट BOT या इंटरनेट बॉट, वेब टर्मिनेटर या क्या, तो इसको बोलते हैं ब्लॉग। अब करते हैं ना ब्लॉगिंग, अगर आप क्या कि इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर दिए, तो क्या है भाई, वो एक तरह का ब्लॉग है। ब्लॉग मतलब सूचनाओं या डेटा का एक छोटा सा रूप, जिसको क्या करते हैं आप, लोगों तक पहुंचाते हैं, पब्लिक करते हैं, क्या कहलाता है, यही ब्लॉग, और करने वाले को क्या कहते हैं हम, ब्लॉगर, ठीक है। वेबसाइट इज अ, वेबसाइट क्या है भाई, तो वेबसाइट ग्रुप ऑफ वेबसाइट है, ग्रुप ऑफ वेब पेज है, होम पेज ऑफ अ ब्राउजर है या क्या। जब हम ब्राउज करते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है हमको, एक होम पेज दिखाई देता है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो उसमें अलग अलग वेब पेज दिखते हैं, तो इसी वेब पेज का जो पूरा का पूरा ग्रुप है, जो पूरा का पूरा कलेक्शन है, क्या कहलाता है, वेबसाइट। वेब पेजों का समूह क्या कहलाता है, वेबसाइट, ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, What is the full form of CC in mail? अब आप जब इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं, यानी कि ईमेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक रेसिपिएंट होता है जिसको आप मेल भेजते हैं, फिर देखेंगे सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, CC BCC होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपको एक ही सूचना है रेसिपिएंट के साथ अन्य लोगों को भी पहुंचाना है, तो क्या कहते हैं इसी को, CC यानी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी के अंतर्गत क्या होता है, जो सूचना है कंप्यूटर में वो किसको किसको पहुंचाई गई है, ये हर व्यक्ति देख सकता है जो किसमें है, CC में। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, कार्बन कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, What is the full form of IP address? IP address क्या है? अब देखो इंटरनेट में जितने भी इंटरनेट है आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे हर एक व्यक्ति का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, हमारे यूनिक फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारा फेस यूनिक है, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम भी, अलग अलग सिस्टम अपने आप में यूनिक होते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं हम आईपी एड्रेस, क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोसीजर, इंटरनेट प्रायोरिटी, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटीग्रेटेड प्रोसीजर। तो इसको बोलते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तरह का एड्रेस है जिससे हम स्पेसिफिक कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं। अब ये क्या है, मशीनी भाषा में है। जब इसी को ही हम क्या देते हैं, अलग लैंग्वेज देते हैं या आइडेंटिटी देते हैं, तो क्या बोलते हैं इसी को, इसी को बोलते हैं हम डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। तो अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग डोमेन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई वेबसाइट है तो क्या बोलेंगे, www.in, in यानी इंडिया, वैसे ही .gov यानी कि गवर्नमेंट। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग डोमेन होता है। जैसे edu मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। .org मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग डोमेन देता है किसको, कंप्यूटर में जो भी नेटवर्क है उसको, जो भी सिस्टम डला हुआ है उसको। फुल फॉर्म ऑफ अर्पा इन अर्पानेट, अर्पानेट में अर्पा का फुल फॉर्म क्या है, अर्पानेट हमने देखा है पहला जो इंटरनेट था वो क्या था, अर्पा। कब था, 1969 में शुरू हुई। एडवांस्ड ब्रिज मिलिट्री एजेंसी नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, एडवांस ऑटो रिसर्च प्राइमरी एजेंडा नेट या एडवांस रिकॉल प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। तो देखो यहाँ पर आर्मी या प्राइमरी ये सब देख के हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होगा इसका आंसर, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। क्या है इसका आंसर, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, अर्पा। ठीक है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर मशीन सो दैट कम्युनिकेशन कैन बी मेड बिटवीन देम इज कॉल्ड, दो या दो से अधिक मशीनों को आपस में जोड़ना जिससे उनके बीच संचार हो सके, क्या कहलाता है, क्या कहते हैं इसको, नेटवर्क। दो दो मशीन आपस में जुड़ी हुई हैं, उनके बीच क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, संचार हो रहा है, तो क्या बोले इसी को, नेटवर्क। क्या बोले, नेटवर्क, क्या बोले, नेटवर्क। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, किसी निश्चित समय में डाटा ट्रांसमिशन की मात्रा को क्या कहा जाता है, निश्चित समय मतलब 5 मिनट के अंदर आप कितने डाटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, क्या कहलाता है ये, क्या है भाई, बफर बैंडविड्थ मॉड्यूलेशन या बफर देरी या बफर डिले। तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, एक क्वांटिटी है, स्पेसिफिक टाइम पे आप जितना डाटा क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। ठीक है, नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से अपनी गलत पहचान बताकर किसी से जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन थ्रू नेटवर्क और इंटरनेट बाय गिविंग फॉल्स आइडेंटिटी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, फिशिंग। क्या कहते हैं, फिशिंग। फिशिंग एक तरह का क्या है, साइबर अपराध है, साइबर क्राइम। इसके द्वारा क्या करते हैं, व्यक्ति आपके पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जान जाता है, अपनी गलत पहचान बताता है और उससे आपके साथ क्या करता है, फ्रॉड करता है। तो क्या बोलते हैं इसको, फिशिंग। ठीक है, सब आपको याद रखना है क्या क्या अलग अलग जो क्राइम्स है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन मेल, मैंने बताया अभी किसके बारे में, CC यानी कार्बन कॉपी। एक होता है BCC यानी क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति BCC में उसको दिखाई नहीं देता कि किसको किसको ये मेल और भेजा गया है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, किसी संस्था के द्वारा प्राइवेट यानी कि अपना एक नेटवर्क यूज करना क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रानेट। क्या कहते हैं इस नेटवर्क को, इंट्रा, इंट्रा मतलब उस इंस्टीट्यूशन के अंदर की बात कर रहे हैं, इंट्रा मतलब के अंदर, तो क्या हो गया, इंट्रानेट। ठीक है, आपको याद रखना है, इंटरनेट तो क्या है, सब सारे कंप्यूटर जितने वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं किससे, इंटरनेट से, लेकिन किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर है मतलब क्या है, वो इंट्रानेट, आपस में एक नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं, क्या बोले इसको, इंट्रानेट। ठीक है, ऑनलाइन किसी वस्तु या सुविधा को खरीदने या बेचने की सुविधा कही जाती है, आप अच्छे से जानते होंगे, हमेशा आप क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मिंत्रा से, तो क्या है भाई, एक तरह की क्या है, ऑनलाइन सुविधा है किसके लिए, वाणिज्य के लिए यानी कि खरीदी बिक्री के लिए, क्या बोलते हैं इसको हम, ई कॉमर्स। क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। नेट बैंकिंग तो किसका प्रदान कर रहा है, पैसे का, है ना, ये सब किसके बारे में, पैसे के बारे में, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, चीजों का क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, क्रय विक्रय, क्या बोलेंगे इसको, ई कॉमर्स। ठीक है, एन इंटरनेट फुल फॉर्म ऑफ, इन इंटरनेट फुल फॉर्म ऑफ ISP यानी इंटरनेट में ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जो IP एड्रेस है, अलग अलग कंप्यूटर क्या है, अलग अलग IP एड्रेस देते हैं, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए, सर्विस देने के लिए हम क्या करते हैं, ISP का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोडक्ट या इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर।
इसका आंसर होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको ये सब याद रखना है बहुत अच्छे से, बहुत कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में, हम कंफ्यूज जाते हैं। इसका आंसर क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिजी लॉकर के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? डिजी लॉकर, क्या बोलते हैं? डिजिटल लॉकर एक तरह की सुविधा है। अब क्या है इसमें? यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। यह युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। चाहे भौतिक स्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता को ई प्रलोकों तक पहुंच संभव होती है। तो देखो, डिजिटल इंडिया जब कार्यक्रम शुरू किया गया तो इसके अंतर्गत एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया जिसमें क्या कर सकते हैं आप सभी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपके सर्टिफिकेट्स हो, आपकी डिग्रीज हो, या कोई भी आपका इनकम सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, इसको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में लॉकर में रख सकते हैं। जब चाहे तब आप किसी भी कंप्यूटर साइट से अपना जो भी पासवर्ड है ये बता के क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या है ये? एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। अब दूसरा जो है ये गलत है, कोई वित्तीय तकनीकी सहायता नहीं दिया जाता इसमें। चाहे भौतिक स्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं का ई प्रलोकों तक पहुंच संभव है। अब फिजिकल आप जिस भी जगह पर रह रहे हैं, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आपके पास एप्लीकेशन है, तो इसके माध्यम से आप इसकी कॉपीज क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? हमारा आंसर है केवल 1 और 3। यानी क्या? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रस्तावित क्या है ये? सुविधा है। दूसरा क्या? चाहे भौतिक स्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं का ई प्रलोकों तक पहुंच संभव होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम देखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी साइट्स हैं, किसने बनाया, कब शुरू हुई और क्या इनके फीचर्स हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।